These are the information about me. My name is Habib Khan. I am Provincial Management Service Officer, and these are the other informations about me. TK, my email address and WhatsApp number are also given. You can contact me on this email address or WhatsApp number. TK, aage badhte hain. NFC ko samajhne se pehle hum divisible pool ko samajhte hain. What is divisible pool? TK, divisible pool basically ek fund hai, ek central fund hai. फेडरल गवर्नमेंट जितनी भी टैक्सेस कलेक्ट करती है तो उससे जो रेवेन्यू हासिल होती है ये डिविजिबल पूल का हिस्सा बन जाता है. डिविजिबल मीन काबिले तकसीम, यानी ये पैसे जब आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं रखते, बल्कि ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल तमाम प्रोविंसेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तकसीम होते हैं. ठीक है, इस वजह से इसको डिविजिबल पूल कहते हैं. तो डिविजिबल पूल से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड के पैरामीटर्स मुख्तलिफ है. ठीक है, मतलब इसका कुछ हिस्सा यूजुअली आजकल जो है 85% है वो पॉपुलेशन की बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है. 10% या 15% आगे हम इसको पढ़ेंगे वो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसी तरह बैकवर्डनेस के बेसिस पर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. हमारा सबसे ज़्यादा जो बैकवर्ड सूबा है वो बलूचिस्तान है, तो ये पैरामीटर उसके लिए स्पेशली रखा गया है, क्योंकि पॉपुलेशन की बेस पे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर पंजाब का बनता है. अगर रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी के बेसिस पे करते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा शेयर सिंध का हो जाता है, क्योंकि सिंध में दो पोर्ट, एक पोर्ट कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम, तो हमारा सारा इंटरनेशनल ट्रेड इन पोर्ट्स के थ्रू होता है, तो जितनी भी कस्टम ड्यूटी कलेक्ट होती है वो इन पोर्ट्स पर होती है. तो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट की है, तो इस वजह से बैकवर्डनेस को भी शामिल किया गया है. केपी को भी इसमें मतलब एक बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि इस फंड का जो 7th NFC अवार्ड के तहत 1% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इज़ द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेररिज्म. ठीक है, डिविजिबल पूल को अगर आप समझ गए हैं तो इसमें अब ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस शामिल है. ठीक है, डिविजिबल पूल में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है इनकम टैक्स, इसके अलावा सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स की दो किस्में हैं, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज. फेडरल गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है थ्रू ABR वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, जबकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तमाम सूबे अपने मुतालिका रेवेन्यू अथॉरिटीज के थ्रू कलेक्ट करते हैं. सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डज नॉट मेक अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल. ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज से मुराद ये है कि जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान से की जाती है तो उस पर जो ड्यूटीज लगाई जाती है, इट आल्सो मेक अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से मुराद है एक्साइज ड्यूटीज ऑन शुगर एंड टोबैको. इसके अलावा इस डिविजिबल पूल में हर वो टैक्स को शामिल किया जा सकता है जिसकी प्रेसिडेंट अप्रूवल दे. एज वी नो इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एंड द प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, अच्छा NFC है क्या? ठीक है, NFC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये इसकी जो कंपोजिशन और फंक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 में दिए गए हैं. फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर इस कमीशन को चेयर करता है, चारों सूबे के प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर भी इस कमीशन के मेंबर होते हैं, और इसके अलावा प्रेसिडेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन पर इसमें स्पेशल मेंबर्स भी अपॉइंट कर सकता है. ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है NFC का? ये कंपोजिशन हो गई, इसके फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका मैंडेट क्या है? इसका जो मैंडेट है डिविजिबल पूल में जो फंड्स होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसके लिए वो फार्मूला जो सेट कर डिटरमिन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो नेशनल फाइनेंस कमीशन करता है, और फिर इसी फार्मूले के बेस पर फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबों के दरमियान ये रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इसके अलावा NFC का ये मैंडेट है कि वो मुख्तलिफ सूबों के लिए ज़रूरत की बुनियाद पर डिविजिबल पूल में से ग्रांट एंड एड भी रिकमेंड करे, और इसके अलावा हर ऐसा इशू जो फाइनेंस के रिलेटेड और प्रेसिडेंट इसको रेफर करे तो वो इसको कंसिडर करता है और रिकमेंडेशन देता है फॉर अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये NFC की कंपोजिशन और मैंडेट हो गया.
ठीक है, एनएफसी का वजूद क्यों ज़रूरी है? ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में एनएफसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में फेडरल सेटअप है, यानी पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन। फेडरेशन से क्या मुराद है? ये एक पॉलिटिकल टर्म है, हम इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। फेडरेशन से मुराद एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें पूरा मुल्क फेडरेटिंग यूनिट्स में डिवाइडेड हो, तकसीम हो। फेडरेटिंग यूनिट को आम अल्फाज में हम सूबा या स्टेट भी कहते हैं, प्रोविंस या स्टेट, ठीक है। और ये जो जो डिमार्केशन होती है ये इतने बुनियादों पर अक्सर होती है, ठीक है। और फिर फेडरल गवर्नमेंट मरकज़ में भी एक हुकूमत होती है जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स या सूबों में अपनी अपनी हुकूमत होती है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। जो इख्तियारात है वो फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान तकसीम होते हैं, और ये तकसीम बाकायदा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई होती है। अब फेडरेटिंग यूनिट्स जो है ना, इसमें मुख्तलिफ इतने ग्रुप्स रहते हैं, फिर इनकी जो डेमोग्राफिक सेटअप है वो भी मुख्तलिफ होती है, इनका जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो भी मुख्तलिफ होता है। कुछ फेडरेटिंग यूनिट्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, कुछ ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में पंजाब ज़्यादा डेवलप है, बलूचिस्तान बैकवर्ड हैं। इसके अलावा इनके टेरेन में भी फ़र्क होता है, जैसे हमारे केपी और पंजाब की जो टेरेन है ये ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। अब बलूचिस्तान और केपी में मिनरल रिसोर्स ज़्यादा हैं। अगर हम सिंध को देखें तो सिंध को ये एडवांटेज है, से लेके इट शेयर्ड बॉर्डर विद अरेबियन सी, वहाँ पे हमारे दो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम। गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, इट आल्सो गिव इट सम एडवांटेज, ठीक है। तो अब इनके इकोनॉमिक पोटेंशियल भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द टेरेन, ऑन द डियर डेवलपमेंट, ऑन दियर डेमोग्राफिक सेटअप। तो इनके इकोनॉमिक पोटेंशियल भी डिफरेंट होते हैं। अब अगर तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स खुद अपने टैक्सेस कलेक्ट करें और फिर खुद उसको खर्च करें, तो इसी तरह कुछ फेडरेटिंग यूनिट मजीद तरक्की करेंगे और कुछ मजीद बस्ती में जाएंगे, और फिर इनमें जो डिफरेंसेज है वो बढ़ जाएंगे, और फिर फेडरेशन का वजूद खतरे में पड़ जाता है। तो क्या अरेंजमेंट की जाती है फेडरेशन में कि जो इंपॉर्टेंट टैक्सेस है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और फिर उसके लिए एनएफसी जैसा कोई अदारा बनाते हैं ताकि वो फिर इन ये जो फंड कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, उसको पैरिटी के बेसिस पर, इक्विलिटी के बेसिस पर तकसीम करें, ठीक है। इक्विलिटी से मुराद नहीं है कि हर सूबे को एक जैसा दे दे, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स डिफाइन करें और फिर उन पैरामीटर्स पर कोशिश करें कि हर सूबे को उसकी ज़रूरियात और उसके मुताबिक मिले, ठीक है, फ़ंड मिले। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टैक्सेस हैं उन इम्पॉर्टेंट टैक्सेस में इनकम टैक्स शामिल है, सेल्स टैक्स शामिल है, और कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह शामिल है, ठीक है। अच्छा, एनएफसी जब इस तरह फंड कलेक्ट करती है और फिर तमाम सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इट इंश्योर फिस्कल इक्विटी अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, और इसके अलावा जो रीजनल डिस्प्यूटी है इसको डू अवे विद करती है, इसको ख़त्म करती है, ठीक है। तो जितने भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मुख्तलिफ ममालिक, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया, इसके अलावा फेडरेशन, यूएसपी एक फेडरेशन है, तो उसमें इस तरह के इदारे ज़रूर होते हैं। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान में कुल 7 एनएफसी अवार्ड्स इशू हुए हैं। फर्स्ट एनएफसी अवार्ड इशूड इन 1974, ठीक है। तो इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो रेशो रखा गया वो 20-80 रखा गया, यानी डिविजिबल पूल में से 20% शेयर फेडरल गवर्नमेंट रखेगा और बाकी 80% तमाम सूबों के दरमियान पापुलेशन के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, बाकी शेयर। तो पंजाब की पापुलेशन चूंकि सबसे ज़्यादा थी तो उनका शेयर 60.25% हो गया ऑफ द 80%, ठीक है। इस 80% का 60% ये पंजाब का हो गया, सिंध का 22.5% हो गया, केपी का 13.39%, और बलूचिस्तान की आबादी चूंकि सबसे कम थी तो उनका जो शेयर बना वो 3.86% बना, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखें कि 1974 में जो एनएफसी अवार्ड इशू हुआ उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटीज़ वर नॉट मेड पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल, ठीक है। 1979 में फिर दूसरा एनएफसी अवार्ड इशू हुआ, ठीक है। इसमें काफ़ी इस पर डिलिबरेशन हुई, काफ़ी मीटिंग्स हुई, लेकिन फेडरेशन और प्रोविंसेस
किसी नई डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले पर राज़ी नहीं हुए और उसी फार्मूले को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। यानी फेडरल फेडरेशन और प्रोविंसेस का जो शेयर रखा गया था वो 20-80 रखा गया, सेम रिपीटेड। इसी तरह सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया रखा गया था जो पॉपुलेशन था, ठीक है। लेकिन 1981 में जो पॉपुलेशन सेंसस हुई तो उसमें फिर पंजाब की आबादी कम हो गई तो उनका जो शेयर था वो भी रिड्यूस हो गया, यानी 57.97% हो गया। सिंध का शेयर 1% बढ़ गया, यानी 23.34 हो गया। केपी का जो शेयर था वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि केपी की पॉपुलेशन इंटैक्ट थी। बलूचिस्तान की आबादी चूंकि नई सेंसस में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई तो इस वजह से इनका जो शेयर था वो 3.86 से बढ़कर 5.30 हो गया। थर्ड इनिफ्सी अवार्ड पे जो था ये जीआरई जीम में हुआ, इस पर भी काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी डिलिबरेशन हुई, लेकिन फेडरेशन और प्रोविंसेस किसी नई फार्मूले पर मुत्तफिक नहीं हुए और वही पुराना जो 1974 और फिर 1979 का जो फार्मूला था उसी को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। फिर फोर्थ में एनएफसी अवार्ड वो 1919 में हुई, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। सके मैंने बताया कि पहले इससे पहले जो तीन अवार्ड्स थे उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर एंड टोबैको एंड जो कस्टम ड्यूटी से जो रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी तो दैट वर नॉट मेड अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल, ठीक है। तो फोर्थ अवार्ड में फिर ये किया गया कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी डिविजिबल पूल का हिस्सा बनाया गया, लेकिन कस्टम ड्यूटी वॉज स्टिल नॉट मेड अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल, ठीक है। इसमें फिर उसी फार्मूले को अडॉप्ट किया गया क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस फिर भी किसी नए फार्मूले पर मुत्तफिक नहीं हुए। तो ये देखो सेम शेयर, मतलब ये पंजाब का शेयर थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, बाकी तमाम सूबों का केपी का थोड़ा सा बढ़ गया। ये पॉपुलेशन में जो कमी हुई या इजाफा हुआ तो उसकी बेस पे ये हो गया, ठीक है। फोर्थ एनएफसी अवार्ड के तहत फिर चारों सूबों को स्पेशल ग्रांट्स भी दिए गए। पंजाब को 1000 मिलियन का ग्रांट दिया गया, सिंध को 700 मिलियन का और केपी को 200 मिलियन और बलूचिस्तान को 100 मिलियन का, ये स्पेशल ग्रांट्स दिए गए, ठीक है। फिफ्थ एनएफसी अवार्ड पर 1996 को इशू हुआ, ठीक है। फिफ्थ एनएफसी अवार्ड में फिर एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि कस्टम ड्यूटी से जो रेवेन्यू हासिल होती थी फेडरल गवर्नमेंट को उसको भी डिविजिबल पूल का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। तो उस वजह से फेडरल गवर्नमेंट की जो बराह रास्त रेवेन्यू थी वो काफ़ी कम हो गई क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ को भी डिविजिबल पूल में शामिल किया गया और इससे पहले जो फोर्थ एनएफसी अवार्ड में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी डिविजिबल पूल का हिस्सा बनाया गया। तो इसका हल फिर उन्होंने ये निकाला कि ये जो रेशो थी 20-80 की इसको रिवाइज किया गया। फेडरल गवर्नमेंट की रेशो को बढ़ाकर 62.5% किया गया और प्रोविंसेस के शेयर को 80% से रिड्यूस करके 37.5% किया गया। लेकिन डिविजिबल पूल का जो वॉल्यूम है कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से ये काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। तो प्रोविंसेस पे इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो बाकी वही डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया रखा गया यानी पॉपुलेशन की बेस पर और तमाम सूबों का जो शेयर था वो इंटैक्ट रहा, ठीक है। फिर इसी फिफ्थ एनएफसी अवार्ड के तहत 1996 में केपी को 3.31 बिलियन का और बलूचिस्तान को 5 बिलियन का ग्रांट दिया गया, ठीक है। 1997 में फिर दोनों सूबों को यानी केपी और बलूचिस्तान को 5-5 बिलियंस के स्पेशल ग्रांट्स दिए गए, ठीक है। जो सिक्स्थ एनएफसी अवार्ड इशू हुआ वो 2000 में इशू हुआ और इसमें भी काफ़ी मीटिंग्स और काफ़ी डिलिबरेशन के बाद किसी नए फार्मूले पर इत्तेफाक नहीं किया जा सका और सेम फार्मूले को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखे कि ये फिगर्स जो मैंने जिक्र किए हैं इसको मैंने लिया है इसका सोर्स है pi.org.pk के, ठीक है। तो अगर आप इन फिगर्स को एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इन फिगर्स को वेरीफाई करें। मैंने सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये फिगर्स दिए हैं, ठीक है। इसको कोट किया है, सोर्स भी मैंने मेंशन किया है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, सेवन्थ एनएफसी अवार्ड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनएफसी अवार्ड है जो 2010 को इशू हुआ, ठीक है। और सेवन्थ एनएफसी अवार्ड को डिटेल में देखने के लिए आप की स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है आप इस पर क्लिक करें और इसके बारे में आप डिटेल से फिर जान सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।